व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो, मैं हूं कामरान शाहिद। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सोग का आलम तारी है। जो वाकया हुआ बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के साथ, पूरे पाकिस्तान में उस पर एहतजाज हो रहा है, कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। और वहाँ पर लाशों को दफनाया नहीं गया, वो 10 मजदूर जो है उनकी लाशों को अब तक दफनाया नहीं गया। वहाँ की कम्युनिटी जो है वो मुतालबा करिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो आए और आकर उनकी दादरसी करें। उनका ये भी मुतालबा है कि वज़ीर बलोचिस्तान जो है वो रिज़ाइन करें। मैं आपको इससे पहले के आज के गेस्ट हमारे हैं फैसल वाडा साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, इनके पास लेके जाऊँ, सीधा कोयटा लेके जा रहा हूँ जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद मौजूद हैं, और उनसे ज़रा मौजूदा हालात की जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आखिर क्यों प्राइम मिनिस्टर का मुतालबा कर रहे हैं आने का और अब तक लाशों को नहीं दफना रहे। इरफान सईद साहब, बहुत वार्म वेलकम। ये बता दीजिए कि इन लोगों का ये मुतालबा कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो लाशों को दफनाया जाएगा, ये मुतालबा क्यों है? अक्सर मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि हम वज़ीर आज़म से कोई सेल्फी बनाने के लिए उनको यहाँ नहीं बुला रहे, वो उनको सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है, जो जुल्म हुआ है और उसका मदावा करें और उसके लिए उन्हें यकीन दहानी कराएँ, जो शोदा के लवाहिकीन हैं उनकी तसल्ली कराएँ और उन्हें अपने इस कर्ब में अपने साथ शरीक करें, जो इस जिस कर्ब से इस वक्त यहाँ के जो लोग गुजरें, शदीद सर्दी है, बच्चे ख़वातीन यहाँ पर सख्त सर्दी में यहाँ पर गुज़श्ता 4 रोज़ से धरना दिए बैठे हैं, आज ये 4था रोज़ भी ख़त्म हो गया और आज भी लोग इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान आएंगे लेकिन वो नहीं आए। इमरान खान नहीं आ रहे यहाँ पर, क्यों नहीं आ रहे, क्यों मार रहे हम लोगों को, क्यों हज़ारा नस्ल खुशी हो रही है? 20 साल से, एक साल नहीं है, दो साल नहीं है, 5 साल नहीं है, 20 साल हो रहे हैं, हो रहे ना सबके सामने। कहाँ है कातिल, कहाँ है मुजरिम? इतनी बेदर्दी से कोई मारता है क्या? ये पहली बार नहीं जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हैं किस हालत में है शहदा के लवाइकिन। जो जो डिमांड रखे गए हैं वो ना किसी पार्टी की तरफ से है, किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि शोहदा के लवाइकीन की तरफ से है, तो उन पर अमल किया जाए और हमारे डिमांड्स को पूरे किए जाए। हम चाहते हैं इमरान खान ये गारंटी ले ताकि हमारे हजारों लोगों के साथ ये ना हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ वादों से कोई काम नहीं चलेगा, आप यहाँ आए, हमारे जो शहदा है उनके जो कातलों को गिरफ्तार करके दिखाए, प्रूफ करे। और 2013 ने इमरान खान ने खुद कहा था कि वेयर इज द स्टेट नाउ, तो अब मैं इमरान खान से पूछती हूँ कि वेयर इज द स्टेट नाउ। हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, अभी हम कब तक हम इस तरह लाशें उठाते रहेंगे? 25 साल से हम लोगों ने सिर्फ लाशें उठाई और खोई। इमरान खान साहब कहते हैं कि इंसाफ होगा, आखिर कब तक इंसाफ होगा? किधर है आपका नया पाकिस्तान? वज़ीर आज़म के तौर पर यहाँ पर आए, हमारे मुतालबात सुने और जिम्मेदारी ले कि आइंदा हमारे ऊपर जो ये वाकयात हो रहे हैं ये आइंदा नहीं होंगे। इनके वफाकी वज़ीरों को क्या लगता है हम लोग इमरान खान को यहाँ पर सेल्फीज लेने के लिए बुला रहे हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पर उनको बुला रहे हैं कि वो जिम्मेदारी लें। हमारे मसला कभी हल ही नहीं हुआ, ये टारगेट किलिंग कभी हल ही नहीं हुआ है, बम धमाके, लोगों को बसों से उतार कर शिनाख्त करके मारना, ये मसाइल जो है ये छोटे आदमी का काम नहीं है। आवाम का ही मतालबा है कि इमरान खान यहाँ आए और वो हमें मुतमईन करे, और सिर्फ बातों से नहीं, नोटिफिकेशन दे के जो इनके मतालबात है वो मतालबात मंजूर किए जाए। मैं तो हैरान हूँ कि जी ये वो मुतालबा नहीं है प्राइम मिनिस्टर से किया जा रहा जो इतना बड़ा मुतालबा हो, ना ये बलूचिस्तान के जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं ये NRO का मुतालबा कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं नवाज शरीफ को छोड़ दिया जाए, ना ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें प्राइम मिनिस्टर को, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप आ जाएँ। और प्राइम अगर पंजाब गवर्नमेंट बचाने के लिए ना चाहते हुए चौधरी शुजात साहब की तबीयत पूछने जा सकते थे, तो हैरान कन बात है कि एक ऐसी रियासत के अमीर होकर जिसको वो कहते हैं कि इस्लामी रियासत बनाएंगे मदीना की तर्ज पर, उनको ये एहसास अभी तक नहीं हो कि उनको वहां जाना चाहिए। और इससे पहले जिस वक्त ये वाकयात हुआ करते थे जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, तो वो इसको इतना बड़ा इशू बनाया करते थे कि हेड ऑफ द स्टेट क्यों नहीं वहां पे गया, वो अल्फाज अपोजिशन लीडर इमरान खान के चीख चीख कर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आपके कॉल ऑफ फेल में इतना बड़ा तजाद आ सकता है जब आप ताकत में आएँ, जब आप पावर में आएँ? आप भूल जाएँ आपने जो पहले वादे किए थे, आप भूल जाएँ जो आपकी पिछली पॉलिसीज थी, आप भूल जाएँ जो आपका मंशूर था जिसके ऊपर आप लेकर यहाँ वोट आए हैं। ज़रा सुन लें इमरान खान साहब पहले बमागे दोहल क्या कहा करते थे। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका, जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। उसने अपने एक करप्ट आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, वो क्यों पावर में बैठा हुआ है? कितनी दफा वो बलोचिस्तान आया, कितनी दफा वो फाटा गया है, पख्तूनख्वा गया, जिधर कत्लेआम हो रही है पाकिस्तानियों की, मच्छरों की तरह पाकिस्तानी मार रहे हैं। क्या पैसे बनाने के लिए आया हुआ है सर? क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो इनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग? बलोचिस्तान की गवर्नमेंट में सारी पार्टी शामिल है, ये सारी पार्टी जिम्मेदार है। बंदर बांट की हुई है पाकिस्तान की, पैसा बना रहे हैं सारे, मुल्क तबाह हो रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं अपनी, सवाई अपनी इनके इख्तदार के लिए। हम
हम इंशाल्लाह आपको दहशतगर्दी खत्म करके दिखाएंगे। ये 90 दिन के अंदर खत्म हो सकती है अगर आप गैर जानबदार पुलिस लेके आए। फैसल साहब, चले 90 दिन में दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो खुद कह रहे थे कि क्यों नहीं आ रही हुकूमत, क्यों नहीं आ रहा मुल्क का सबसे आला अहदेदार, क्यों नहीं जा रहे प्राइम मिनिस्टर इन लोगों से मिलने? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। एक तो कामरान साहब ये कि जो हादसा पेश आया है वो ज़बानी तौर पे तो ना उसका कोई वो है, ना हम उनका तकलीफ दूर कर सकते हैं, ना उनके वो प्यारे वापस ला के दे सकते हैं। अंदोनाक वाक़ है, और जहाँ तक उन्होंने ये कहा कि 25 साल से हमारे साथ हो रहा है, और उनकी तवक्कुआत अगर इमरान खान साहब से है तो ये भी एक एक, एक, एक इस हादसे के दौरान भी, इस तकलीफ के टाइम के ऊपर भी वो समझते हैं कि इसका बदावा भी और इसका इलाज भी इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। जो एक घर का बड़े की तरफ देखा जाता है वो देखा जा रहा है, उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए या इसके ऊपर कोई तजिया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जा रहे हैं। लेकिन जो मुझे लास्ट मंगल की तो ब्रीफिंग कैबिनेट के अंदर जो हुई थी उसमें इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ थी जिसके तहत वो चाहते हैं कि कुछ सब्सटेंस आपके हाथ में हो, क्योंकि ये तो हमें बड़ी कैटेगरी क्लियरली बता दिया गया है। और मेरे ख्याल से मंगल डिले टाइम था जिस वक्त हमें पता चला है, प्राइम मिनिस्टर उससे पहले ही फैसला कर चुके थे कि इनको चुन चुन के कोमिंग ऑपरेशन के थ्रू कैफ़ेर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और फैसल साहब, ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कुछ सब्सटेंस की बात की थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं, किस तरह का सब्सटेंस? कोई मुजरिमों की निशानदेही के हवाले से या कोई किस तरह का सब्सटेंस है, क्या नोयत है उसकी? कामरान शाह साहब, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला था तो बहुत उसके अंदर डिटेल में बात नहीं हुई, जितनी बात थी तो मैं आपके व्यूअर्स, आपके थ्रू व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, स्पेशली उन लवाइकीन को जो इस कर्ब से गुजरे हैं और तकलीफ से गुजरे हैं, और उनका वैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो उनकी तवक्कुआत है उनसे ऊपर ही वो उनको पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, जाना उनका बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोग वहाँ सर्दी में बैठे हुए हैं, और ना सिर्फ वहाँ कोयटा में बैठे हुए हैं बल्कि कराची में बैठे हुए हैं, लाहौर में भी बैठे हुए हैं। फैसल भाई, ये बता दीजिए कि इससे पहले जब ये वाक़ा इस तरह का हुआ था, पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा अच्छा एक्शन लिया था, इन मुजाहिरीन का मुतालबा भी यही है कि कम अज़ कम वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जो है वो रिज़ाइन करें। असलम रिसानी से भी पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशन लिया था। अगर आपने अच्छे स्टैंडर्ड सेट करने हैं, अगर आपने उसको एग्जाम्पल बनाना है, तो आप क्यों नहीं वज़ीर बलोचिस्तान से रेजिग्नेशन मांगते? देखिए कामरान साहब, इसका मैं राइट आदमी नहीं हूँ जिससे आप ये सवाल कर सकें। ये प्रोगेटिव है और ये हमारा ना सूबे में हमारी डायरेक्ट हुकूमत है, इसके अंदर हमारे एलाइज हैं, तो ये मेरा प्रोगेटिव ही नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई जवाब दे सकूँ। बिल्कुल ठीक है जी, और मैंने प्राइम मिनिस्टर से लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई तो उनको ये कहा था कि कोलिशन गवर्नमेंट के मसाइल होते हैं, शायद अगर प्राइम मिनिस्टर की अपनी गवर्नमेंट पूरी की पूरी वहाँ होती और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वज़ीर आला होता तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर तक उसको फारिग कर चुके होते, इस तरह तब्दीलियाँ लेके आने में मशहूर हैं। अभी आईजी इस्लामाबाद को भी आई थिंक इसलिए हटाया गया क्योंकि वो जो उसामा का जो एक बेगुनाह कत्ल हुआ और इस्लामाबाद के आईजी को हटा दिया गया, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है अगर उन्होंने इस वजह से हटाया प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट है, कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उसमें सारे मसले चलते रहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इसको इशू क्यों बना रहे हैं? मैं आज भी स्पीचेस सुन रहा था बन्नू के अंदर आप लोगों की लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर जो है ऑब्वियसली उनका कसूर तो कोई नहीं इस वाक़े के अंदर, वो अब जाना भी चाह रहे हैं, हम इसको एक नेशनल हम आहंगी के तौर पे क्यों नहीं देखते, हम इसको भी इशू क्यों बना रहे हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन? मिफ्ता साहब जी, कामरान भाई शुक्रिया। कल भी मैं एक शो पे था और ये बारे में बात कर रहे थे, और इत्तेफाक से मेरा दोस्त फैसल पाडा भी मेरे साथ था, और मेरे ख्याल से हम दोनों ने कोशिश करी थी कि इसको बिल्कुल सियासत की उस पर ना करें, सियासी बात उस पर ना करें, और मेरे ख्याल से कामयाब भी हुए थे। तो मेरी अब भी कोशिश ये, देखें जो आपने पट्टी चलाई, क्लिप चलाई खान साहब की, उसमें खान साहब किस तरह की सियासत करते थे वो सबको पता है, लेकिन बहरहाल अगर वो करते भी थे, उन्होंने गलती कर दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको वो गलती को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए, इस बात पर आपकी बात दुरुस्त है, और खुदा न खास्ता कोई ये नहीं कह रहा है। मिफ्ता साहब, आप सियासत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बन्नू के जलसे के अंदर जो है वो इमरान खान पे नारेबाजी हो रही है इस इशू को लेके, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उसकी तो मजम्मत कर देना फिर आप। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल। इमरान खान की कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की बजाद खुद गलती है या खुद कोई किरदार है इसमें, खुदा न खास्ता ये ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन आप ये बात तो छोड़ें कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 10 लोग जो यहाँ पे जहाँ पैक हुए हैं, और ये क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी के साथ होता रहता है। कल तो मैंने ये भी कहा था कि हम एज अ सुन्नी आई रिकग्नाइज़ एंड सब रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि ज़्यादातर जो लोग पाकिस्तान में ये जो मारे जाते हैं
फ़िरका परस्ती में वो शिया होते हैं और मतलब और ख़ास तौर पर हज़ारा कम्यूनिटी शिया वाली तो बहुत मारी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि ये हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, मेरा, कामरान शाहिद का और फैसल वाडे का, तीनों का ये फेलियर है। बात की आपने, स्टेट हमारा फेलियर है कि हम हमारी एक कम्युनिटी जो कि गरीब कम्युनिटी है, जिसके लोग छोटे छोटे काम करते हैं, वो गरीब कम्युनिटी के अंदर लोग मारे जा रहे हैं और हम सर हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। मैं भी बयान दे देता हूँ, फैसल भी बयान दे देते हैं, आप भी शो कर देते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि नशिस्तन गुफ्तम बर्खास्तन और उसके बाद ये बिचारे सर हम तो शो ही कर सकते हैं और इसी काम तो गवर्नमेंट का है। मेरा एक सवाल और ले लीजिए आप, इसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। आपकी लीडरशिप पूरे पाकिस्तान में जा रही है तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह के अली जैदी साहब गए, जहाँ जैसे वहाँ पे जुल्फी बुखारी गए, तो मरियम नवाज को भी जाना चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब को भी जाना चाहिए, उनको एहसास दिलाएं। उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो समझते हैं कि वी आर एलिनेटेड, हमारा यहाँ पे 100 बंदा भी मर जाए तो ना मीडिया भी खामोश रहता है, गवर्नमेंट भी खामोश रहती है, अपोजिशन भी जो है चुप रहती है, उनके लिए वो इशू ही नहीं। और ये होता रहा पास्ट में, अभी भी ये मसला इसलिए बना हुआ है कि उन्होंने अपनी लाशें नहीं दफनाई, प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का मुतालबा है तो मीडिया का फोकस हुआ है। तो आप अपनी लीडरशिप को भी तो कहें ना, इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने से अहम काम है इन लोगों के दुखों का मुदावा करना, जाए मिले उनको जाके सॉलिडरिटी शो करें। कामरान भाई, इसके अंदर तो हमको सॉलिडारिटी इनके साथ शो करनी चाहिए और पीडीएम के भी लीडरशिप को जाना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को जाना चाहिए, दूसरे लोगों को जाना चाहिए। लेकिन सच्ची बात यह है, और मैं फिर सियासत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात यह कि सबसे पहले खान साहब को जाना चाहिए और तदफीन के अंदर देखें, मेरी बात सुने, अगर आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो फैसल ने कहा कि आप अगर एक घर के बड़े का रोल ले रहे हैं, अगर आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पर आप रोज़ घर जाते हैं और आपको सब तो भाई किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? जुल्फी बुखारी साहब को भेज दें, वो जाके उधर पूछ रहे हैं कि हमको क्या फ़ायदा मिलेगा प्राइम मिनिस्टर को लाएं? थोड़ी सी मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती हुई है, चलो खैर अल्लाह खैर करेगा, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पहली फुर्सत में चले जाना चाहिए था। फैज़ साहब, आपने कुछ कहना है इसके ऊपर, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। वो कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी को ये कहना नहीं चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर को जाना क्या फ़ायदा होगा। जी कामरान साहब, देखिए सबसे पहले तो ये कि बहुत ही रीजनेबल और सेंसिबल डिबेट हो रही है, कल भी हुई और आज भी हुई, और अगर सेम वॉइसेस हैं, ये मेरा अकेले का मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है, हम सबका कलेक्टिव फेलियर भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और कलेक्टिवली ही हमें इसको बचाना है, बारह ताक रखते हुए कि हमारे सियासी डिफरेंस अपनी जगह के पर है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिधर हमें कंसेंसस के साथ कलेक्टिवली एज पाकिस्तानी मुत्तहिद खड़ा होना है, सारे डिफरेंसेस दूर करके, और तभी आप पुश्त पर जब खड़े होंगे फौज की तो कोमिंग ऑपरेशन होगा रदुल फसाद की तरह, उससे पहले जितने भी कामयाब ऑपरेशंस हुए। तो मैं समझता हूं कि जो मिफ्ता साहब ने लाइन ली हुई है या मैंने लाइन ली हुई है और जितने इस तरीके के इश्यूज के ऊपर हम खड़े बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, खड़े होंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे सब, ये आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे आपसे फैसल भाई बात ये पूछ रही है बेसिकली कि देखें, ये नया साल शुरू हो गया, मेरा ये एनालिसिस है कि पीडीएम जो है, जब मैं ये कहता हूँ सियासी मौत मर गई तो पीडीएम वाले बहुत माइंड करते हैं, कल नफीसा साहब भाई बहुत माइंड कर गई थी, लेकिन ये मेरा तजिया है। चले मैं आज ये कहता हूँ कि पीडीएम का जोर टूट गया है, जो खतरा पीडीएम को का था आपको वो खत्म हो गया, लेकिन अवाम का मसला कब खत्म होगा? सर आपके पास अब ढाई साल, अभी इनको जलसे करने दें, अभी मिफ्ता साहब नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन मुझे पता है कि आपका आपकी गवर्नमेंट अब कहीं नहीं जा रही, जो आज से डेढ़ महीना पहले लग रहा था कि बहुत बड़ा धरना होने लगा है, बहुत बड़े इस्तीफे होने लगे हैं, बहुत बड़ा स्टैंडस्टिल होने लगा है, सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, अब आप कॉन्फिडेंट हैं? अगले मैं प्राइम मिनिस्टर को मिला हूँ कि बॉडी लैंग्वेज भी बामे अरूज पर थी कॉन्फिडेंस को लेकर, तो मुझे जरा मैं आवाम की आपको राय सुनवा दूँ, अनबायस्ड आवाम आपसे मुतालबा क्या कर रही है, ये रिलीफ अगले ढाई साल उनको आप दे देंगे, जरा सुन लें तो फैसल भाई, फिर आपने कमेंट करना है और हम सुनेंगे, सुनवाएं जी जरा। इमरान खान साहब अगर नहीं आपसे कुछ होता तो इस्तीफा दे दे। नया साल में कुछ भी नहीं इमरान खान कर रहे, तो कुछ भी आगे नहीं करेगा। हम लोगों को गरीब, मकरूज और भिखारी बना दिया है। हमारा 2021 में यही मुतालबा है कि यार महंगाई को कम करें, गरीब आदमी जो है ना महंगाई में पिस रहा है सारा। पीडीएम सारे जा रहे हैं जेल के अंदर, जलील होके रह गए जब से ये आया है। 21 में यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द जाएं अपनी सीट से। तंग पड़ी हुई है सारी कौम, रोटी 3 टाइम की पूरी नहीं हो रही लोगों की। 2021 में महंगाई खत्म कर दे इमरान खान, जो उन्होंने वादे किए हैं या तो वो पूरे करें या फिर घर चले जाएं। उसको जाना ही चाहिए थे, उसको तो देखिए बल्ला ही खेलता है, उसको हुकूमत करनी नहीं आई। हाथ जोड़ के माफी मांगना की कोई
कोई दे बंदे जिंदा रहन दे समो लगे 2021 से हमें कोई मुराद नहीं है 2022 भी आएगा महंगाई खत्म नहीं होनी अगर नहीं कुछ कर सकते तो यही मेहरबानी कर दें कि हमारी जान छोड़ दे गुजारिश है कि ये अपने घर चला जाए इसने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब के बस की बात ही कोई नहीं रह गई अब 2021 में हम इमरान खान को देखना पसंद नहीं करते इमरान खान से क्या मुतालबा रखे वो तो हमें रोड पे तो लेके आ गया है और इससे ज्यादा और भीख मांगे 2021 में मैं कहता हूँ ये खुद ब खुद घर चला जाए हम तंग पड़ गए 2021 में कुछ नहीं कर सकते तो वो घर चले जाए कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं उनसे कोई तवक्का नहीं उनसे पैगाम उसको दिया जाता है जो पहले कुछ कर रहा हो जो पहले से कुछ नहीं किया तो आगे उसने क्या करना अंकल इमरान 2021 में मेरा आपसे एक ही मुतालबा है कि महंगाई कम कर दें फैसल भाई आपके ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है आप बताइए आवाम को आप क्या कहते हैं 2.5 साल में क्या करेंगे उनके लिए जो रो रही है आवाम इस वक्त देखिए कामरान साहब अगर मैं ये कहूँ कि आवाम जो बात कर रही है महंगाई की वो गलत बात है तो वो मैं जस्टिफाइड नहीं हूँ बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और महंगाई है इन्फ्लेशन है मैं आज उसकी वजूहात फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि जो 35 साल से 40 साल से हुक्मरान थे उसका ये मलबा सारा हमने उठाया है लेकिन मेरे पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि मैं आया था मुझे पता था कि ये सब कुछ ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है बिल्कुल सही ठीक है लेकिन तवक्कुआत फिर इमरान खान साहब से लोगों ने लगाई हुई थी उसी वजह से हमें इक्तदार मिला और जहाँ कोविड के अंदर पूरी दुनिया की इकॉनमीज मेल्ट कर गई वहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें इकॉनमी मीशत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग चीनी बुरान आटा बुरान ये जहाँ कंट्रोल में आ गया है आवाम को इससे मतलब नहीं है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सही हो गया है आपकी इकॉनमी ट्रैक पर आ गई उनको रोटी से मतलब है और सस्ती रोटी से मतलब है और ये वाहिद एक काम रह गया जिसके ऊपर बहुत तेजी से और इसी पे सिर्फ काम होगा एक ये जो क्वेटा वाकया है एक इस पे हमने काम करना है बहुत तेजी से बगैर टाइम जाया करते हुए कलेक्टिवली और एक महंगाई के ऊपर करना है और दोनों अल्लाह के हुक्म से यही इमरान खान जैसे तवक्कुआत हैं और जो आज बुरी बातें सुन रहे अपने बारे में जो पास के हुक्मरानों का काम है जिनकी वजह से हम आज यहाँ मौजूद है लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी उठाई थी तो जिम्मेदारी निभानी भी और इंशाल्लाह ये आप 2.5 सालों के अंदर आपको वो सब्जेक्ट लगेगी 2.5 साल में फैसल भाई इतनी दफा आप टॉक शोज में आए लेकिन ये मुझे आपकी अप्रोच बिल्कुल सही लगी कि आपने कहा ठीक है पुरानी बातें अपनी जगह पे है लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और आपने करना है तो मिफ्ता भाई मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि क्या ये जो जितना आप लोगों ने अभी बचा कुछ हिजान बरपा किया हुआ PDM को लेकर आज बन्नू में जलसा आप नगर नगर रैलियाँ कर रहे हैं अब आपको जब चल गया पता कि ये गवर्नमेंट 2.5 साल इधर रहेगी आपके पास वो पावर नहीं है आवाम की कि इस गवर्नमेंट को हटा सके और दूसरी पावर्स भी नहीं है जो होती है ऐसी गवर्नमेंट को हटाने के लिए तो आप इनको काम करने दें आप भी पार्लियामेंट में लौट आएँ पार्लियामेंट में डिबेट्स करें लेजिस्लेशन करें इस मुल्क को इकट्ठे आगे बढ़ाएं तनकीद करें इनके ऊपर लेकिन सड़कों पर निकल के टाइम वेस्ट ना करें कामरान भाई जिसको आप टाइम वेस्ट समझ रहे हैं आप इस तरह सोचेंगे जब हमने PDM के जलसे शुरू करे थे तो चीनी इस मुल्क में 115 रुपए की थी ये हमारा प्रेशर है कि आज 90 रुपए की चीनी हुई है आटा जो था वो 75 का था होलसेल के अंदर आज कम से कम 71-72 रुपए का होलसेल में हुआ है दवाइयों पे हम कामयाब नहीं हो सके 500% अभी तक महंगी हैं और हमारी नज़र से निकल गई बात और उसमें अंडा जो है वो 300 रुपए दर्जन हो गया है तेल जो है वो घी जो है वो 290 रुपए 280 रुपए लीटर हो गया है जो सबसे बड़ा जो PDM का जो सपोर्टर है जो PDM की मुहिम को जो जान दे रहा है वो इमरान खान है और उसकी माशी और उसकी एनर्जी की टीम है जिसकी वजह से आज लाहौर के अंदर चूल्हे बंद हैं और कराची के अंदर इंडस्ट्री बंद है आप पाकिस्तान के अंदर इस साल इस महीने दुनिया की महंगी तरीन गैस ले रहे हैं आप बांग्लादेश से महंगी गैस ले रहे हैं आप हिंदुस्तान से महंगी गैस ले रहे हैं आप चीन से महंगी गैस ले रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर जो है 21% बेरोजगारी करके बैठे हुए हैं आप पाकिस्तान के अंदर साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ करी हुई है फैसल भाई 30-35 साल का मम्बा बोलते हैं आप 70 साल का बोल दीजिए लेकिन क्या हमने कहा था कि आप अंडे महंगे कर दीजिए हम तो 7 रुपये फी अंडा छोड़ के कहते हैं 84 रुपये दर्जन आज 300 रुपये दर्जन हो गए तो वो किसका कसूर है आप हमने आपको कहा था कि आप मुर्गी का गोश्त महंगी कर दें हमने आपको कहा था कि आप तेल महंगा कर दें हमसे मतलब 152-155 रुपये का तेल था आप 280 रुपये का आज क्यों 1 लीटर तेल मिल रहा है हमने 35 रुपये का आटा छोड़ के गए थे आपने 70 रुपये का कराए हमने आपसे कहा था इसमें हमारा कसूर है चीनी जो है वो हम 55 रुपये की छोड़ के गए थे 115 तक गई थी अब 85 पे आई है लेकिन एक बात बताइए इस गवर्नमेंट के कुछ अच्छे इंडिकेटर्स भी है स्टॉक मार्केट जो है 3 साल की बुलंदतरी सतह पहुंच गई 45,000 की नफसियाती हद बहाल हो चुकी है दिसंबर में बरामदाद में 18.3% इजाफा हुआ है जरे मुबादला के जखायर में इजाफा हो रहा है रेमिटेंस बढ़ रही है इसको भी तो अप्रिशिएट करें आप बिल्कुल देखें आज स्टॉक मार्केट जो है वो 45,000 क्रॉस करी है आपको पता है आखिरी मरतबा 45,000 कब थी
जब ये खाकसार वजीर खजाना था और शायद अब्बासी वजीर आज़म। क्या बात है। मतलब ये आए नहीं, सच्ची बात है, ये आए 45,000 की। तो आज तो कर गई है ना, आपके बगैर कर गई आज हफीज साहब के साथ। उसको 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 28,000 पे, उसको 28,000 पे ले गए, 28,000 पे ले गए वो इनो बड़े इनको बड़े, और आप 28 से वापस 46 पे आके बोलते हैं हमको शाबाश दो। ओ भाई खुदा का खौफ करो। मतलब आप ये सोचें, सीरियसली आप ये इतनी सी बात सुन लें सर। जी जी बताइए बताइए। दवाइयाँ बिकती थी ना, दवाइयाँ फ्री, गरीब लोगों को फ्री दवाइयाँ दी जाती थी शहबाज शरीफ के दौर में। उस्तान बुज़दार साहब ने ये हटा दिया, पूरा आटा स्मगल हुआ है उस्मान बुज़दार साहब इसके अंदर, इसका बिल्कुल मुजरिम है इसके, मैं कह रहा हूँ। इन्होंने चक्कियों के थ्रू आटा स्मगल कराया, ये रिपोर्ट के अंदर आया। पॉइंट आ गया आपका, चीनी के अंदर इन्होंने, बिल्कुल पॉइंट आ गया सर। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं सिर्फ फैसल भाई ब्रेक के बाद से पूछूंगा, मरियम नवाज साहिब और बिलावल भुट्टो जिनकी क्यादत है, वो जो आप लोगों को उसी तरह शर्म याद दिला रही जिस तरह इमरान खान साहब करते थे, क्या इसकी वजह यही है कि हमारी इकॉनमी बहुत वीक और पुअर, आपने मौका दिया है कि आप कहते हैं मरियम नवाज सजा याफ्ता है, आपने मौका दिया उसको लीडर बनने का, बिलावल कहते हैं वो बच्चा है लेकिन आपने मौका दिया उसको लीडर बनने का, तो अब मजीद अगर आप इसी डगर पे चलेंगे तो ये लोग तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे और आपका नामो निशान नहीं होगा अगले इलेक्शन में। तो अगर आपने अपनी पार्टी को बचाना है, आपने इस मुल्क को बचाना है, आपको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फैसल भाई व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी फैसल साहब, अगर आपने कहा कि आपने ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से बाद में आके पूछे मुझसे, ठीक है ब्रेक के बाद चलें, ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। पीडीएम में क्राउड्स अभी भी आ रहे हैं, पीडीएम में आवाम आ रही है, चाहे उसका वो जोर नहीं रहा, इमरान खान साहब गवर्नमेंट के लिए खतरा नहीं रही, और ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी का नतीजा। नए लीडर उभर के आए सामने, मरियम नवाज उनमें सबसे अहम लीडर हैं, और ये नेक्स्ट टाकरा मुझे लगता है तहरीक इंसाफ कौन से होगा। सुनने जरा वो बहावलपुर में क्या फरमा रही थी। समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वजीर आजम याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सिलेक्टर्स भी देख रहे हैं और सिलेक्टेड भी देख रहा है कि पंजाब के आवाम खड़े हो चुके हैं। गंदम चीनी एलएनजी पर डाका डाला, हमने बड़ी ईमानदारी से करप्शन की है, इतनी और इतनी ना अहल हुकूमत नहीं देगी। लड़ोगे, बैठोगे, अपना हक छीनोगे। फैसल भाई अवाम का जोश तो देखे जरा, अगर मरियम नवाज साहिबा ने आपने पॉलिसीज ठीक करने से पहले इस्लामाबाद की तरफ लोगों का रुख मोड़ दिया तो होगा क्या इस गवर्नमेंट का? मैं तो ये सोच रहा हूं। कामरान साहब देखिए, मसला है कि मैं किसकी बात पे बिलीव करूं। ये वही खातून है जो कह रही थी मेरे यहाँ तो क्या बैरून मुल्क भी कोई जदाद नहीं है, फिर वो माननी पड़ गई, फिर वो कैलिबरी क्वीन का उनको खिताब मिल गया, फिर वो कतरी खत ले के आ गई, फिर उन्होंने कहा हम इस्तीफे देंगे, वो इस्तीफ़ों से भाग गए, फिर कहा दो इस्तीफे आए हैं हम मुँह पर मारेंगे और गलती से भी चले गए तो इसको एक्सेप्ट कर लो, वो इस्तीफ़ों के ऊपर वो पैरों पर पड़ गए आकर। उसके बाद कहा जी हम का दिसंबर नहीं देख सकेंगे, आपने देख लिया अल्लाह की मेहरबानी जनवरी शुरू हो गया, फिर कहा मौसम की खराबी होगी, फिर मैंने आपसे कहा था तबीयत की खराबी होगी, फिर आपने देखा कि करप्शन के बेताज बादशाह उनके वालिद नवाज शरीफ जो है मफरूरी में भी है, भगौड़े भी हैं, इश्तिहारी भी है, कोर्ट कह रही है, उसके बाद इसहाक डार उनके समधी जो है वो भी भागे हुए। इतना ज़बरदस्त मुल्क में काम किया है, दूध की नहरें बहाती हैं और इतना सब कुछ मुल्क में अच्छा था तो फिर मुल्क से क्यों भागे हुए? फिर मुल्क के अंदर होना चाहिए नंबर एक। नंबर दो ये कि आवाम हमसे पूछ रही है कि जी हम महंगाई कब करेंगे, बिल्कुल उनका सही राइट जवाब है, लेकिन क्या आवाम चोरी के खिलाफ निकलती है? चोरी किसी की जाती चोरी बचाने नहीं निकलती, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये तो बातें चलती रहेगी और जोश और खरोश तो आपने देख लिया है कि वो लाहौर में भी आपने देखा और भावलपुर में देख लिया, तो तमाशा देखते हो सबको जाते हैं, आप अपनी कमीज उतार के सड़क पर खड़े हो जाए तो 1.5 लाख आदमी जमा हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा काम है? कोई मुश्किल सी काम दी नहीं। नहीं मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप कोई भी एक अजीब सा काम कर लें या उछल कूद शुरू कर दे गाड़ी के ऊपर चढ़ के तो आपको भी लोग देखते शुरू कर जाएंगे, या आप जोर जोर से चीखना शुरू कर दे, गाने गाना शुरू कर दे, गर्दन हिलाने शुरू कर दे, हा हा करने लगे तो भी तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो सर्कस देखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आप सर्कस को एंजॉय करें। फैसल भाई आप ये इतनी बड़ी जो लीडरशिप इमर्ज की है पीपल्स पार्टी की, उसको आप सर्कस कह रहे हैं बेसिकली, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आप सीरियस थ्रेट नहीं समझ रहे अपने लिए। देखिए पीपल्स पार्टी, पीपल्स सॉरी नून लीग पीटीआई की बी टीम है। नहीं सॉरी मैं नून लीग की बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी आज नहीं है फैसल भाई, सॉरी मैं मुंह से निकल गया, मैं नून लीग
की बात कर रहा हूँ, उनकी सीनियर पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी ने जो किया है वो तो हमने कहा था, और जो पीपल्स पार्टी की, वो सदमे से निकलने में इनको कई साल लग जाएंगे। अच्छा। पीपल्स पार्टी सेनेट की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, ऑपोजिशन लीडर उनका आने वाला है, उनकी सूबह सिंध में हुकूमत है, वो अयाशी कर रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ मशीनें बन रही है, पैसा छप रहा है, उनको क्या जरूरत पड़ी कि भाई वो उठा के उस आदमी को और उसकी बेटी को सियासत में ला के खड़ा कर दे जिन्होंने उनकी वालदा मोहतरमा शहीद को जिस जबान से मुखातिब किया, जो ब्रोशर्स पॉम्फलेट जहाज़ों से फेंके, जो 9 साल जरदारी साहब को जेल में रखा, उनकी जबान काटी, वो मैंने किया था, मेरे बाप ने किया था, इमरान खान ने किया था, वो सब कुछ नवाज शरीफ के दौर में हो रहा था। एहतसाब चला रहे थे नैब सैफुररहमान साहब, वो फ़ोन पे चीज़ें करते थे, जजेस जो थे वो जस्टिस कयूम जैसे के फ़ोन के ऊपर रहता था। कौम क्या भूल गई ये सारी बातें? और कौम ये भी भूल गई है कि जो इतनी सारी दौलत है, अब मिफ्ता साहब आप पूछेंगे तो मिफ्ता साहब से मैं बता सकता हूँ कि मिफ्ता के वालिद ने कैंडी लैंड बनाई, उनके पास खाने का रास्ता कहाँ था, घर कहाँ से था। लेकिन आप ख्वाजा आसिफ साहब पूछे, वो एक जगह से नौकरी करता है जिससे 22 करोड़ रुपए आते, सिर्फ 22 करोड़ रुपए, जिस कंपनी के मुलाजिम है, यहाँ वो डिफेंस मिनिस्टर है और वो फाइनेंस वो ATM रेस्टर है, उसके बाद कंपनी कहती है कि हमारा अरेंजमेंट था, हमने कोई तनख्वाह नहीं दी, फिर दूसरे अकाउंटों में आ जाते, फिर 40 करोड़ रुपए आ जाते, फिर वही पापड़ वाला दूध वाला जो सर आपका पॉइंट आ गया, तरीके कार था वारदात का, भाई आपका पॉइंट आ गया। उसके बाद आप कहते हैं आवाम उसकी उनको फेवर करने के लिए बाहर निकल आएगी। मैं आपका पूरा पॉइंट समझ गया। मुझे अब मिफ्ता इस्माइल साहब ये बता दीजिए कि क्या करप्शन के डेंट जो लगा हुआ है नून लीग के ऊपर हुकूमत की तरफ से और नैब की तरफ से, उसके बाद भी आप समझते हैं कि मरियम नवाज एक क्रेडिबल लीडरशिप के तौर पर उभरी है या उनको अपनी पार्टी में भी चैलेंज का सामना है? सर जितने आपने फराह जली से फैसल भाई की सारी दास्तान सुनी है, आपकी भी सुनूंगा, थोड़ा सा मौका मुझे भी दीजिएगा। बिल्कुल जी, शुक्रिया। फैसल भाई के पास देखें कुछ बेचने को नहीं है, तो वही वो झूठा मंजन जो झूठे इल्जामात का है, वो नवाज शरीफ चोर है, ये है वो है, ये बात कर रहे हैं। अब मैं उसकी सारी बात करता हूँ एक मिनट में, लेकिन ये पहले मैं अपने आप के नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हमने फातिमा जिना को एक खिलाफ एक नैरेटिव चलाई थी कि वो गद्दार है, जिसके भाई ने पाकिस्तान बनाया था, जिसके घर में पाकिस्तान बना था, उसको हमने नैरेटिव में कहा था कि ये गद्दार है। तो ये गद्दारी का और करप्शन का चूरन हमारा पुराना है। अब वापस आते हैं कि अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चोर है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर अरशद मलिक की क्यों ज़रूरत पड़ी? अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। फिर अरशद मलिक से क्यों किसी ईमानदार जज से करवा लेते हैं उसको गिल्टी? आपको अरशद मलिक को टेप दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर नवाज शरीफ गिल्टी था फिर अकामे पे निकालने की क्या जरूरत पड़ी? नवाज शरीफ गिल्टी था तो बशीर जज ने खुद कहा था कि करप्शन का कोई केस नहीं, और उस केस जजमेंट को भी पड़क चौड़ा दिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, जो आपने कुछ दिनों पहले करवाया था इलेक्शन से ताकि नवाज शरीफ इलेक्शन ना जीते। उसके बाद आपने 2 दिन पहले इलेक्शन से हनीफ अब्बासी को निकलवाया, उसके बाद हनीफ अब्बासी भी वापस आया। अगर अब नवाज शरीफ गिल्टी है तो एक सेकेंड के लिए मान लें कि आप सारे पाकिस्तान अलल ऐलान कहता था कि नवाज शरीफ ने BRT में चोरी करी है, 27 अरब रुपये की लाहौर की BRT बनी है, उस पर आप सब यकीन से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चोर था, चलें एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं, तो फिर 105 अरब रुपए इमरान खान ने बनाई है, तो उसके ऊपर जो बकाया पैसे लगे हैं, जो 73 अरब रुपए लगे हैं, वो किसने चोरी करे वो बता दीजिए। फैसल भाई को कहिए कि उसका भी नाम बता दें कि 73 अरब रुपए किस किस ने लिए। थोड़ा नहीं नहीं मैं अभी अपनी नहीं, अब नहीं नहीं सवाल ना पूछे, ना ना अभी आप ये पूरी ये बेईमानी होगी सवाल पूछे। अब आप सुने, इन्होंने कहा कि ये 13% में 13.5% में कतर से गैस लेके आए, ये तो बहुत महंगी गैस है, ये तो चोरी करी हुई है। ठीक है भाई, अगर हमने 13% में चोरी करी है तो उसी कंपनी से आपने इस महीने के अंदर 17.5% में गैस खरीदी है, वो बताइए कि वो जो आपने चोरी करी है वो पैसे कहाँ हैं, ये बता दीजिए। आप ये बता दीजिए, ये बात कर रहे हैं कि किसकी कितनी जायदाद है, तो ये भी देख लीजिए कि इमरान खान साहब के पास 300 कनाल का मकान है, जो सबसे सक्सेसफुल पाकिस्तान का क्रिकेटर है वसीम अकरम, उसके पास 2 कनाल का है, उसके पास तो किसी और के पास 2 कनाल का मकान भी नहीं होता। खान साहब तो 1.5 लाख रुपया टैक्स देते हैं साल का, खान साहब के पास ये जायदाद कहाँ से आ गई, ये भी बता दें। ये भी बता दें कि जमान पार्क का घर किसने बनाया, जवाब नहीं आता कि जमान पार्क का घर। नहीं नहीं, आखिरी बात सुन लीजिए सर, आखिरी बात सुन लीजिए कि अगर इतनी चोरी हम कर रहे, अगर हम इतनी चोरी कर रहे थे तो आज तो पैसे वाफर हो जाने चाहिए थे ना, वो 12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती थी तो आज तो पैसे वाफर हो जाने चाहिए थे ना। आपके पास 3 साल से हुकूमत है सर। अब ये पॉइंट, अब मेरी एक बात सुन ले, कहां चोरी करी है मिर्ज़ा भाई? पहली बात तो फातिमा जिना साहिबा का मरियम नवाज साहिबा किसी कोई कंपैरिजन बनता नहीं, क्योंकि फातिमा जिना साहिबा पे करप्शन का कोई इल्जाम या कोई केस नहीं था। नंबर 1, एक मिनट, गद्दारी वाली बात तो किसी ने भी अभी कर भी नहीं रहा हूं, मैं कर भी नहीं रहा हूं। एक बात, दूसरी बात ये कि मैंने आपसे ये कहा इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, नेगलिजेंस का है, गफलत का है, ना अहलियत का है, बुरी टीम का है, ये आप कह सकते हैं कि इमरान खान पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। मेरा सवाल आपसे कुछ और था, मैं आपसे कह रहा था कि तहरीक इंसाफ बड़ी कामयाबी से कह रहे हैं आप ये
सर आप बताएं मुझे कि इमरान खान का 300 करोड़ का घर जो है जस्टिफाइड हुआ कोर्ट के जरिए, उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? आप बताएं मुझे, आप साबित करें। उन्होंने मनी ट्रेल दिए कोर्ट के अंदर, मतलब हम भी उनके खिलाफ शो कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, मेरी मेरी नवाज शरीफ के ऊपर आपने इल्जाम लगाया कि उसने बीआरटी में चोरी करी। सर मैंने नहीं लगाया, बीआरटी को गोली मारे जो गॉडफादर कोर्ट ने लिखा है वो तो उन्होंने इल्जाम लगाया ना। क्यों गोली मारे सर, क्यों गोली मारे? मैं नहीं कह रहा ना, क्यों गोली, क्यों मेरी बात सुने? मेरे मुल्क के 105 अरब रुपए चले गए, गोली क्यों मारे? जवाब देंगे ना। चला जी, मैं तो इससे ज्यादा जवाब नहीं दे सकता। फैसल साहब जवाब देंगे, फैसल साहब बात, ये बिलियन ट्री सुनामी के अंदर जवाब देंगे को करप्शन का? ये नहीं, ये सर बिलियन ट्री सुनामी में अगर आधे ट्री 50 करोड़ पेड़ गायब हो गए तो जवाब तो कोई देगा ना हमको? आज जवाब नहीं देगा, कल जवाब नहीं देगा, कभी ना कभी तो वक्त आएगा ना बिलियन ट्री पे करप्शन का जवाब दे। इसी कारवा में अगर कोई इंकलाब उठेगा फिर बहरहाल आपका जवाब देगा ना हमें। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि जी आपकी आपकी पार्टी के ऊपर करप्शन का इतना ज्यादा परसेप्शन बन चुका है, तो बजाय आप इसके बताते हैं कि ये गलत है और ऐसा कुछ नहीं, आपने जवाब दिया कि ये भी करप्ट है, तो अगर हम भी हैं तो ये भी, ये कोई जवाब नहीं है ये जब ये भी देते हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं 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 नहीं, कामरान एक मिनट कामरान, ये बात बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का इल्जाम था, और तो आप बताते ना कहाँ करप्शन करी? आपने कहा बीआरटी में, तो अब पता चली कि बीआरटी पॉइंट आ गया सर आपका, सफाई कॉस्ट में करी। ठीक है, आप कह रहे हैं जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो गया इस मुल्क में। अच्छा मैं अगला सवाल, हम नहीं नहीं नहीं, हमने तो एक एक चीज, हमने तो आपको ये बोला कि अगर नवाज शरीफ करप्ट था तो अरशद मलिक की क्यों जरूरत पड़ी थी? सारा टाइम आपका लग गया, वो फैसल वाटा साहब जवाब दे दीजिए, अगर नवाज शरीफ करप्ट था तो फिर आपने ये कुछ किया। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आपने जो आलिशान डिसीजन किए, मैं सबसे पूछता फिर रहा हूँ आपकी गवर्नमेंट से कि जी नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए, तो पता चला कि सऊदी अरब के फरमा रवाओं को लेने को तैयार है, उनका उतना इंटरनेशनल स्टैचू नवाज शरीफ साहब का, तो ये डिसीजन करके आप अपने सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब कराएंगे, वो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से आप उनको बिल्कुल वापस ला सकेंगे? दोनों सवालों का जवाब दे दें फैसल साहब। देखिए कामरान साहब, जो मैंने इश्तहारी, भगौड़ा, मफरूर, चोर, जो कुछ कहा वो मैंने मिफ्ता साहब के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इल्ज़ाम मिफ्ता साहब के ऊपर, इल्ज़ाम मेरे ऊपर, इल्ज़ाम आपके ऊपर आ सकता है। जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया उसको मैंने मान लिया। सादिक और अमीन कोर्ट में इमरान खान साहब ने 40 साल पुराने कागजात दिए, ट्रेल दिए, मनी ट्रेल दिए, और सादिक और अमीन उसको कोर्ट ने कहा है जी, ये मैं आप अगर कहते हैं कि जी नवाज शरीफ आपके हिसाब से फरिश्ते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के तहत, तो फरिश्ते को कहे ना कि बागा बकी हुए, आए कोर्ट में अपनी इनोसेंस साबित कर दे। क्या ऐसी वजह है जिससे कोर्ट में से सब आगे हुए? इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर जबरदस्त थे पाकिस्तान के बकौल इनके, जबकि उसको कॉन्ट्रेडिक्ट आके किया है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की मुखालफत में भी ये बात करूंगा कि मैं इनकी फाइनेंस जजमेंट को उनसे बेहतर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये एक कारोबारी है सर, एक मेरी बात बताएं आप ये मुझे ये बताएं कि कोर्ट जिसको वर्डिक्ट दे दे उसके बाद मैं उसका कैसे जस्टिफाई करूं कंपैरिजन? कोई जरा कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए। मुझे सर ये बता दीजिए, मैं आपसे ये पूछ रहा था जो सवाल रह गया बीच में, कि आप 2.5 साल में आपने इतना मार्जिन रूम दे दिया है, पहले नवाज शरीफ को बाहर भेज के, फिर मरियम नवाज पे नैब का जो कुछ भी हुआ, कि अब पीडीएम के जलसों के जरिए मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक लीडर बन के उभरी हैं, तो आप अगले 2.5 साल की क्या परफॉर्मेंस होगी? अदरवाइज आपका अगला चैलेंज, ये तो बिल्ली को देखे कबूतर की आंखें बंद करने वाली बात है, आप कह रहे हैं वो लीडर ही नहीं है, शी हैज बिकम अ लीडर, ये तो आप मान लेना, नून लीग की तरफ से लीडर बन चुकी हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी काउंटर करने के लिए इस थ्रेट को, अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क के लिए आपने कुछ करना है? कामराज देखिए कामराज साहब, आप जितने भी बड़े हो जाए ना, आप अपने वालिद की अदागारी का 5% भी नहीं बन सकते, क्योंकि अच्छा। तजर्बा, स्टैचर, इज्जत, पोजीशन अल्लाह ताला किसी को, हर किसी को चुन चुन के देता है उसकी महारत के ऊपर। मरियम नवाज की महारत क्या है कि वो कैलिबरी क्वीन है, उनके यहाँ प्रॉपर्टियाँ निकली हैं, बेनिफिशरी ओनर्स हैं, उनसे गैब जवाब मांग रही, वो नहीं मांग रही, वो अपने बाप की करप्शन को बचाने के लिए, बाप को वापस न लाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है, इसलिए आप कहते हैं वो लीडर बन गई है, कमाल की बात आप कर रहे हैं। और जो 35 साल 40 साल से इस पार्टी के अंदर धक्के खा रहे हैं, फॉर दैट मैटर मैं कहता हूँ मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग क्यों नहीं पार्टी के लीडर बन सकते? क्या कमी है इस आदमी में? क्या हम गुलाम पैदा हुए थे ये लोग? क्या ये अंग्रेज़ों के बाद शरीफों की गुलामी में चले गए? क्या मिफ्ता इस्माइल की कैंडी लाइन नवाज शरीफ ने लगाई थी? क्या मिफ्ता इस्माइल को पढ़ाया नवाज शरीफ ने था? क्या परवरिश नवाज शरीफ ने दी थी? किस चीज़ का खौफ है मिफ्ता इस्माइल को? मिफ्ता इस्माइल को सब कुछ अल्लाह के तवक्कुल से, अल्लाह के वसीले से, अल्लाह के हुक्म से, उसके वालिद को, उसके बाप दादा को, या उसको ये सब जो भी उसके पास है उसको मिला, लेकिन आज वो सब कुछ देने के बाद अल्लाह से मांगने के बजाय गुलाम बन के पीछे खड़ा होने को तैयार है। तो ये तो उसका ज़र्फ है, मेरा ज़र्फ थोड़ी है।
मैं तो आजाद पैदा हुआ था। मुझे फैसल भाई उनकी लाइन कटी हुई है, लाइट चली गई है, आपने जो सवाल उठाए मैं जरूर उनसे पूछूंगा, लेकिन आप भी जवाब दीजिएगा। 24 साल से इमरान खान साहब भी तो बिला शिरकत गैर है, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और दूर दूर तक कोई और नजर नहीं आता उनको जो रिप्लेस कर सके, तो ये तो हर पार्टी में ये चलता है। मिफ्ता साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वो कह रहे हैं कि आप, आपकी तो पार्टी में जमहूरियत नहीं है, आप जैसे लोग जो है, आप जैसे लोग गुलाम बने हुए हैं, जिन्होंने जो सेल्फ मेड पॉलिटिशियन वर्कर हैं नवाज शरीफ। अब आप सवाल इससे वो भरता है कि जब नवाज शरीफ साहब पे डेंट लग गया कोर्ट का, मरियम साहिबा पे लग गया, तो और लीडरशिप क्यों निकल सकती नून लीग में से? ये फैसल साहब का सवाल है। मिफ्ता इस्माइल क्यों नहीं बन सकता लीडर? मुझे इसका जवाब दे दो। मिफ्ता इस्माइल लीडर क्यों नहीं बन सकता? गुलामी तोड़ निकल जाए, गुलामी से बाहर मिफ्ता भाई। सवाल आपने मुझसे जी मिफ्ता साहब, मेरा जवाब ये है भाई कि इतनी बातें करने के बाद भी फैसल वाडा साहब अपनी हुकूमत की, अपनी करप्शन की, अपनी गवर्नेंस की, इमरान खान की करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ बातें करते हैं कि नवाज शरीफ बुरा है, नवाज शरीफ की बेटी बरी है, वो पुरानी बातें कि दरबारी हो, गुलाम हो, ये हो वो, इन सब की तस्वीरें लगी होती है ना, ये अपने जो तस्वीरें लगाते हैं तो उसमें इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं। ये तो कभी एक व्हाट्सएप नहीं कर सकते इमरान खान की तस्वीर लगाए बगैर। जिस तरह की बातें करते हैं, वो हमारा बाप है, वो हमारी माँ है, वो मतलब दूसरी शादी कर ले तो माँ चेंज हो जाती है, मतलब ये कौन सी इनकी हरकतें हैं? और ये मतलब दूसरों को ना बुलाएं कि कौन गुलाम है, कौन कुछ है। और ये अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि मरियम को बुला रहा है, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब मेरी रिक्वेस्ट सुन ले, इनकी बात करने, देखिए शादी दूसरी हुई, तीसरी हुई, मैं इस पे नहीं जा रहा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी लीडरशिप में अंडा पहले पैदा हुआ है, मुर्गी बात पे मेरी बात खत्म करना। तो देखो यार मेरी, मैं किसी, आप जैसे भी बात करते हैं मैं बात सुनता हूं, जैसे भी आप बात करते हैं मैं पूरी बात सुनता हूं। मिफ्ता साहब हर आदमी को लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, तो मैं अपना जवाब फारिग कर दूंगा। कामरान मेरी बात जी मिफ्ता साहब के लिए, फिर फैसल साहब की तरफ जी मिफ्ता साहब के इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो जितनी करप्शन आज और जितनी नाअहली आज हुकूमत ने करी है, इतनी मेरे राइट फैसल साहब 30 सेकंड जल्दी से बोल रिस्पोंड कर दें, आप बिल्कुल कर रिस्पोंड सुन तो लें। फैसल वाटा साहब, सर आपका पॉइंट आ गया, आप पहले भी लाए जी। फैसल साहब कुछ कहना है आपने, मैं से पहले क्लोज करूं प्रोग्राम। मैं तो ये कहा कि सर ये गुलामी मैरिड बताए ना, मरियम का मैरिड क्या है? मैरिड मुफ्ता की क्यों नहीं हो सकता, बाकी पार्टी के किसी आदमी का क्यों नहीं हो सकता? ये क्या गुलामी है? मेरे ऊपर इमरान खान साहब का कोई रिश्तेदार मुसल्लत नहीं हो सकता, मैं खुदाफिज करके निकल जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा। मैं एज अ वर्कर, मेरा हक बनता है, मेरी पार्टी के वर्कर्स का हक बनता है, ये तो गुलामी है। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, गुलामी की डिबेट ब्रेक के बाद जारी रहेगी, एक ब्रेक लूंगा। अच्छी बात यह है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं, फैसल वाडा साहब ने हमें बताया बलूचिस्तान। मुझे दीजिए कल तक इजाजत। हाय, इट्स सैयदा शनाज़ हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दुनिया न्यूज। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। कीप वॉचिंग दुनिया न्यूज।